क्या करना चाहिए? इसी को बेवकूफ बनाने का कोई प्लान बनाना पड़ेगा। मिल गया प्लान। मिल गया? क्या? तुम? मैं? क्या? फोन करो। इसको मंदिरा बन के और रो रो के बोलना उसको आवाज पहचान में आनी नहीं चाहिए। हाँ हेलो हेलो वो रॉकी वीर जी मैं मंदिरा वो अरे तू रो क्यों रही है और तेरी आवाज को क्या हुआ है आवाज वो रो रो के हो गई है वीर जी तुझे चेती आ जाओ वो श्रवण जी इधर आ गए हैं श्रवण उधर है मैं तो यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ ये पोस्ट ऑफिस में तू फोन रख मैं आ रहा हूँ वाह यार कमाल की टीम है ना हमारी एकदम बंटी और बबली टाइप नहीं श्रवण जी मैं रोज ऐसे किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती अरे अच्छे लोगों को ना पर हम तो बुरे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं हाँ ओह थैंक गॉड चलो बच्चे पेमेंट लेके आते हैं से पहले कि वापस आए हाँ बोल हेलो वीर जी श्रवण जी ठीक है ना आपने उन्हें ज्यादा मारा तो नहीं ना अबे मेरे हाथ आएगा तो कुछ करूंगा ना मुझे बस तेरे पास गैराज पहुंचने दे हैं वो आपके साथ नहीं है क्या अभी मंदिर है तूने ही तो मुझे फोन करके कहा है कि शर्मन तेरे पास गैराज में मैंने कहा फोन किया आपको आप मुझे क्यों डांट रहे हैं मेरी बहन रोना बंद कर पहले इसका मतलब वो अभी तक स्पोर्ट्स ऑफिस में ही है अबे गाड़ी घुमाया कैसे फिर से अरे हम गुंडे हैं तो टूरिस्ट गाइड नहीं जो पूरा दिन मसूरी घुमाते रहते हैं ऐसा है जिंदा रहेगा तो गुंडा बनेगा ना चल गाड़ी घुमा लगता है वीर जी बहुत गुस्से में श्रवण जी को कुछ करना दे मैं भी स्पोर्ट्स क्लब जाती हूँ मैं उन पे कोई आंच नहीं आने दूंगी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पहले जब श्रवण बाहर जाता था तब हमें ये तो पता होता था कि हमारा बच्चा कहाँ है लेकिन अब तो सांची भी उसके साथ है मेरे दोनों बच्चे बाहर अकेले हैं पता नहीं वो कहाँ होंगे क्या कर रहे होंगे माँ क्या माँ अब वो दोनों बच्चे थोड़ी ना हैं बड़े हो गए हैं अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं आप दोनों ना बेवजह टेंशन ले रही हो सब ठीक हो जाएगा हमारा श्रवण बच्चे से कम है क्या अरे उसके बचपने की वजह से ही तो आज उस पर ये नौबत आई है तुम कह रहे हो कि हमारा श्रवण बच्चा नहीं है और तो कुछ नहीं मधुरा लेकिन गुजारा करने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना ऐसे ही चले गए पता नहीं दो वक्त के खाने का भी पैसा है उनके पास कि नहीं दादी श्रवण रेस में पूरे 1,00,000 रुपए जीता था आप भूल गई मुझे लगता है ना वो दोनों वही गए होंगे चेक लेने नीता तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शायद वही मिल जाए चल चल वही चलते हैं चलिए सो सो के जागते हैं ये लोग चल माती हाँ बोलो क्या चल रहा है खाना पका रही हो कौन सी सब्जी पकाई है बहुत दिन से तुमने बैंगन की सब्जी नहीं की तो भाई साहब अब ये बैंगन के चक्कर में हमारा भरता बन रहा है यहाँ फोन रखो और काम करो हमारा की काम है यार तीन बार बता चुका हूँ आपको फिर फोन पे लग जाते हो फोन रखे बोलते की काम है पैसे लेने आया हूँ ठीक है ये लो और तीन दिन करके भर दो इतने सारे ये कम नहीं हो सकते देख भाई मैं काम करूँ हूँ तो पक्का काम करूँ हूँ यही कहीं होगा पूरे
ऑफिस का चप्पा चप्पा छान मारो, आज हमारे हाथ से बच के नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, इधर देख, इस तरफ देख, क्या बात है, उस तरफ भी देख एक बार जाके। साची, मैंने कभी तुम्हें बताया है कि तुम डरी हुई बहुत सुंदर लगती हो? श्रवण जी, इतनी मुसीबत में भी आपको इश्क हो जाए? हाँ तो मुसीबत में इश्क करने का मजा अलग होता है यार। चुपचाप पहले यहाँ से निकलने की तरकीब सोचिए। ओके। कहीं तो कहीं होगा, यही कहीं होगा। चलो मेरे साथ बाहर चलो। ओ गया सांड, चलो। तो चिपकाओ। हेलो, अब दो ना। हेलो, मुझे पान तो खाने दो। इसीलिए हमारे देश की तरक्की नहीं होती है, किसी को टाइम की कदर नहीं है, पान खाना है यार इनको। टाइम की कीमत तो हमें भी है, इसीलिए लंच टाइम में नो काम। तो अब जा और 3:30 बजे आ जाना। क्या जरूरत है उससे ऐसे बात करने की? कमाल है यार, गुस्से में तो और भी सुंदर लगती हो तुम। चलो लंच टाइम में हम थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। अबे क्या खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, देखते ढूंढते क्यों नहीं उसको? सर लंच टाइम हो गया, कुछ खा ले हम लोग। किडनैपर बनना है अपनी ससुराल में, बातें बना रहे, कुछ खा लो, खा लो, ढूंढो उसको जाके। मंदिरा तुम यहाँ क्या कर रही है? वीर जी मैं देखने आई हूँ, आप मेरे प्राण को हाथ तो नहीं लगा रहे? अरे भाई हम लड़की वाले हाथ पैर तोड़ते नहीं है, हाथ पैर जोड़ते हैं। उसको मेरे हाथ तो आने थे, वो तो ये यहाँ क्या कर रहे है? इसका मतलब शर्मन अंदर ही है। तू चल 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 अंदर चल। मेरी एकदम बाहर हाथ लग रही है सर, वो कुछ गड़बड़ है। हाँ टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं आप। सॉरी हाँ मैं पहले कुछ ज्यादा बोल गया। ठीक है ठीक है, बैठो। आप ये ले लो। नहीं वो मैं सोच रहा था कि हमें कैश नहीं मिल सकता क्या? ये डिमांड ड्राफ्ट है, इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में कैश हो सकता है। बोलना मत, सरकारी अफसर से कैसे पेश आते हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं। थैंक यू जी, आप भी मत भूलना, बैंगन ले जाना घर। बाय बाय। ठीक है ठीक है। अरे दादी आप लोग यहाँ? तुम लोग बिना मिले घर से चले आए, तुमसे मिले बगैर रहा नहीं गया।
तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे ठीक कैसे होंगे यार, सब लोग हमारा पीछा छोड़े तो ना हम ठीक होंगे। हम तो सिर्फ चैन से साथ रहना चाहते हैं, पर सब पीछे पड़े हुए। मैं तो सोच रहा था हमने किया ही क्या, प्यार ही किया है ना। पैसे ले लें इसे हमें। अबे सालों पिटता हुआ देख रहे थे, बचा नहीं सकते थे क्या? हजार रुपए सिर्फ किडनैपिंग के लिए बोले थे, हाथ पैर तोड़वाने के लिए अलग से फीस होता है। पहले हमारा पैसा तो बाद में बात करो। ले लियो पैसे, अल्लाह बातें बना रहे, पकड़ इसको। काम करवा। दूंगा दूंगा पैसे शर्वन, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। देख यही कहीं होगा, मेरे साथ चल। वीर जी आपको क्या हुआ, चोट कैसे लग गई? अरे तू तो इसको छोड़, तूने शरवन को देखा है? हाँ आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। वहाँ पे कहाँ है वो? वहाँ गया उधर। चल चल आ जाओ। तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर, अपना काम निपटा कर आ जाना, ठीक है? चल चल। मंदिर में श्रवण जी, वो मैंने वीर जी को यहाँ से भेज दिया है, आप दोनों यहाँ से निकल जाइएगा। मंदिर मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम? कोई नहीं जी, गलती तो मेरी ही थी, मैं आप दोनों के बीच में आ गई थी। मेरे पास आपको थैंक्स कहने के लिए शब्द नहीं है, आपने हम दोनों के लिए बहुत किया है मंदिरा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप दोनों की जोड़ी बहुत सोनी है, वो ना मैं इनकी ना मुस्कुराहट पे फिसल गई थी, लेकिन अब मैं संभल गई हूँ। देखना मंदिरा, तुम्हें एक दिन मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा और तुम दोनों इकट्ठे फिसल जाओगे। अच्छा मैं ना चलती हूँ, नहीं तो कहीं वीर जी वापस ना आ जाए। सत श्री अकाल। कितनी स्वीट है ना यार। अरे नहीं नहीं वो मतलब नहीं है मेरा, अरे वो तो स्वीट है लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा स्वीट हो, मतलब वो शुगर है और तुम हनी हो। चल अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो तेरे खानदान को भून के रख दूंगा। चल यार पाजी, काम करो ये ले लो आप। क्या है ये? 1,00,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है, आप अपनी शादी करवाना, मंदिर की भी करवा लेना और अंकल आंटी का स्टैचू भी बनवा लेना अपने गैराज के बाहर। बकवास बंद कर, समझ गया? तेरी बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ, बहुत आ गया तेरी बातों में। चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो या तो आज मंदिरा की डोली उठेगी या फिर तेरी अर्थी। चल कब? मुझे इन दोनों को फिर से बचाना पड़ेगा। लाउडस्पीकर
पुलिस स्टेशन। हाँ यार स्पोर्ट्स एकेडमी में बॉम्ब है, आप जल्दी आइए। आपको लगी तो नहीं, लगी तो नहीं आपको? एक तू ही है जो मेरी परवाह करती है, मेरी बहन। पर तू चिंता मत कर, वाहे गुरु की सौ, मैं तेरे लिए दूल्हा आज पकड़ के ही लाऊंगा, चल। अरे वीर जी, तब तेरे लिए वीर जी हम फिर पिटोगे। मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया इसको। किसी ने बम लगाया होगा। बम बम कुछ नहीं जी, मैं तो अपनी बहन की शादी करवाने आया था इससे। क्या तो क्या सहनाई है जो हाथ में पकड़ रखी है तूने? वो जी ये तो हम लोग ऐसे वो शादी पे हमें खुशी के लिए हवाई फायर कर देते, ये इसलिए रखी हुई है। ओ, तेरी हवा तो हम निकालेंगे, चल थारे। अरे तू बोलते यही दूल्हा है, बोलता क्यों नहीं तू? अरे कमाल कर रही है, मैं दूल्हा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, ये देखो मेरी वाइफ। ये झूठा है जी, ये मेरी बहन पे डोरे डालता था ये, बोल। ना चीप आदमी है ये, मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ डलवाई थी, वो भी राखी। कोई सबूत है तेरे पास? तू टेररिस्ट नहीं है? तू इनसे पूछो, ये मेरे दोस्त है, ये गवाही देंगे, बोल बोल। नहीं नहीं हम नहीं जानते जी, पैसे तो दिए नहीं और गवाही क्या देंगे? ले जाओ जी ना। मेरी बात सुनो। अरे मेरी जाओ थाने। मेरी बात तो सुनो। मैं बताऊं तुझे। अवधार, ले जाने थे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सब कुछ। पहचानती उसे? मेरे वीर जी हैं। मैं सब संभाल लूंगा, तू घर पहुंच। तेरी इच्छा। आप चलो। कुछ सामान सब मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दादी, आप पुलिस स्टेशन जाके ना बता देना कि रॉकी जी की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है, वरना वो बिना बात के फंस जाएंगे दादी। ठीक ठीक है बेटा। हाँ लेकिन हमारे जाने के बाद बताना, वो एक दिन सड़ने दो उसको जेल में, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ 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 यहाँ से। अरे अरे ऐसे घर से भाग रहे हो तो जरा ठीक से भागो ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके तो भागो। हाँ दादी, आप भी ना आप घर से भागने के लिए ने आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे तो कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, शादी शुदा है, और बहुत ज्यादा दूर मत भागना, आसपास ही रहना, ठीक है? तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इनका ध्यान रखूंगी और मैं इसका। अब तो पूरी जिंदगी हनीमून ही है, और वैसे भी अब ना कोई जिम्मेदारी है ना कोई पाबंदी, जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएंगे, जो दिल करेगा वो करेंगे, बस वो डिमांड ड्राफ्ट संभाल के रखना। लेकिन ये तो सिर्फ 70,000 है। क्या